बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बच्चों? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए आपका क्या हाल है? जी शुक्र अल्लाह का। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, यूनिट नंबर 7, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। चैप्टर का नेम है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर क्या होता है इसके बारे में मुझे बताएं। Yes. जी कौन बताएगा? ओके, बच्चे ने बोला कि कोई चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है वो मैटर कहलाती है। थोड़ा सा इसमें एडिशन कर लें। एनीथिंग विच हैज सम मास, उसका कुछ मास है, एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, और कुछ स्पेस को क्या कर रही है, वो ऑक्यूपाई कर रही होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? मैटर। ओके, देखें इसके अंदर आपको ये जितना भी सॉलिड स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये क्वांटिटी ऑफ मैटर इसका मास कहलाता है। क्वांटिटी ऑफ मैटर क्या कहलाता है? इसका मास। इसके बाद मैं इसे कहीं भी रखता हूँ, इसे थोड़ी सी जगह घेरेगा, इसकी एक बाउंड्री बनेगी। देखें ना, अगर मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ तो ये इसने तकरीबन इतनी जगह घेरी है। ओके, तो ये इसकी स्पेस हो गई। अगर मैं इसको फिजिकल बैलेंस में रख के इसको मेजर करता हूं तो ये कोई ना कोई वैल्यू देगी कि इतने ग्राम्स का है ये इसका क्या होगा? मास। ओके, सो एनीथिंग विच हैज सम मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस विल बी नेम्ड एज मैटर। ओके, अच्छा अभी हम थोड़ी देर, यानी अभी हम जो काम करने जा रहे हैं वो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर। मुझे अब ये बताएं कि ये जो मैटर आपको नजर आ रहा है, क्या इस जिन पार्टिकल से ये मिलकर बना हुआ है बिल्कुल स्टैटिक हैं ये वाले? नहीं, क्योंकि ये जिन मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है वो मोशन में है लेकिन हमें नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि ये सॉलिड है। ठीक है, अगर हम इसकी बजाय कोई लिक्विड ले लें तो उसमें मॉलिक्यूल्स हमें मूव करते नजर आ भी सकते हैं, कि थोड़ी सी कोई चीज हम पॉलन ग्रेन उसमें डाल दें, कोई इंक डाल दें, कोई कलर डाल दें, कलर मूव करता हुआ यानी मिक्सअप होता हुआ नजर आएगा। और ये गैस, ये हवा, ये गैस है। ओके, इसमें भी मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हुए नजर आएंगे। इसकी मिसाल हम कैसे ले सकते हैं कि यहाँ पे परफ्यूम आप यहाँ पे स्प्रे कर दें, तो जैसे ही ये देखें, अगर मैं यहाँ पे ये मैंने पुश किया है, आपको इस पुश से कुछ स्मेल फील हुई? Yes. आप तक अब आई, उसके उस तक पहले आ गई, आप तक अब आई। किस तरह आई? कि मैंने जब इस परफ्यूम को जो है वो उसका स्प्रे किया तो वो हवा के जरिए मूव करता हुआ आप तक पहुंचा। एक बच्चा मेरे पास बैठा था, दूसरा दूर है, एक तक पहले पहुंच गई स्मेल उसकी, दूसरे तक देर से पहुंची। ये किस तरह, ये क्या है? गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। ओके, तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल की फर्स्ट पॉसिबिलिटी वो यही है, मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। मैटर किन से मिलकर बना हुआ है? और वो मॉलिक्यूल्स किस में होते हैं? मोशन में। द मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन मोशन। अब मोशन की मतलब, इसकी जो मिसाल ले रहे थे, ये कोई भी सॉलिड स्ट्रक्चर ले लें, ये ले लें, ये कोई भी सॉलिड स्ट्रक्चर ले लें, उसमें रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह वो मूव नहीं कर सकते, लेकिन लिक्विड में एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, गैसेस में भी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। ओके, तो इट मीन्स इफ मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स देन द मॉलिक्यूल्स विल ऑलवेज इन मोशन। ओके, अच्छा तीसरी इसकी पॉस्टुलेट है, द मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर, यानी उनमें अट्रैक्शन मौजूद है। अट्रैक्शन गिव्स द शेप टू द स्टेट ऑफ मैटर, यानी अट्रैक्शन क्या करती है? शेप देती है। अगर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इसकी खास शेप है। देखें ना, ये रेक्टेंगुलर आपको चीज नजर आ रही है, मैं इसको जितना मर्जी दबा लूं इसकी शेप में हम तब्दीली
नहीं ला सकते दबा के, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उनकी जो अट्रैक्शन है बड़ी स्ट्रांग है। आप एक्सटर्नल फोर्स बहुत ज़्यादा नीचे फेंकेंगे, गिराएंगे, तो ये आके ब्रेक होगा, इसकी शेप फिर भी चेंज, यानी शटर हो जाएगा, यानी कि दब जाएगा ये। ओके अच्छा, तो मॉलिक्यूल्स हमेशा किस तरह होते हैं मोशन में, और वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं किसकी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर की। ओके भला क्या क्या, मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, दूसरे नंबर पे मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन मोशन, तीसरे नंबर पे मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ओके अब इस चीज को बेस बना के हम स्टेट्स ऑफ मैटर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा इसी चीज की मिसाल ले लेते हैं कि ये जो मेरे पास एक ग्लास स्लैब है, इस ये जिन मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है वो एक दूसरे के साथ कॉम्पैक्ट पैक्ड है टोटली, यानी उसके दरमियान अगर मैं कहूँ इंटरमोलेकुलर डिस्टेंसेस तो वो बिल्कुल ना होने के बराबर हैं, यानी इनके दरमियान किसी किस्म का कोई फासला नहीं है, जिसकी वजह से इसकी ख़ास क्या है शेप और ख़ास क्या होगा इसका वॉल्यूम। ओके द स्टेट ऑफ मैटर विच हैज़ अ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम विल बी नेम्ड एज सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, यानी वो स्टेट जिसकी खास शक्ल है और ख़ास क्या है उसका वॉल्यूम, उसे हम नाम क्या देंगे, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। ओके सॉलिड में इंटरमोलेकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं, यानी अगर हम कहें कि इसमें इंटरमोलेकुलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ क्या है तो उसको मैं नाम दूंगा स्ट्रॉन्गेस्ट का। ओके दूसरे नंबर पे हम आते हैं लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर पे। अब पानी ले लें, पेट्रोल ले लें, सिपरेट ले लें, कुछ भी ले लें, लिक्विड वो चीज़ होती है जो फ्लो कर सकती हो, ठीक है। अब लिक्विड मॉलिक्यूल्स को अगर हम देखते हैं तो उसमें मॉलिक्यूल्स के दरमियान हल्का हल्का गैप पाया जाता है, और जो लिक्विड्स होते हैं ना वो लेयर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, और वो लेयर वाइज एक दूसरे के ऊपर से स्लिप होके फ्लो करते हैं, ठीक है। जो लिक्विड्स का फ्लो है वो डिपेंड करता है उनकी विस्कोसिटी पे, किस चीज़ पे, विस्कोसिटी। देखो ना, फर्ज करें मेरे पास एक लिक्विड है जिसकी मैंने ना ये तीन लेयर्स बनाई हैं, लेयर नंबर वन, लेयर नंबर टू, लेयर नंबर थ्री। ये जब इसको मैं नीचे गिराऊंगा तो पहले ये लेयर स्लिप होके नीचे जाएगी, फिर किसकी बारी आएगी, इसकी, फिर किसकी बारी आएगी, सबसे नीचे, क्योंकि नीचे वाली लेयर पे सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है, वो बिल्कुल लास्ट में फ्लो करना शुरू करती है। इसलिए जब हम पानी का ड्रॉप गिराते हैं ना किसी जगह पे तो वो ऊपर से ही साइड पे फैलता है, क्या ऊपर से साइड पे फैलेगा, क्यों, जितना इन लेयर्स के दरमियान इंट्रैक्शन स्ट्रांग होगी उतना फ्लो डाउन होगा। पे मिसाल देते हैं, अगर पानी की बजाय आपने लिया है हनी, हनी कप में लिया हुआ है, आप कप को उल्टा कर दें ऐसे, क्या वो यकदम गिर जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता गिरेगा, क्यों, हनी इज मोर विस्कस एज कंपेयर टू वाटर, यानी हनी की विस्कोसिटी पानी की विस्कोसिटी की निस्बत क्या है, ज्यादा, जिसकी वजह से उसके दरमियान जो लेयर्स की अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उसमें फ्लो होने की एबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है। ओके लेकिन अगर पानी का कप हम लें, उसको यूं करके गिराएं, एक लम्हे में क्या हो जाएगा, वो खाली हो जाएगा। ओके अब देखें, अगर मैं यहां पे इंटरमोलेकुलर फोर्सेस को कैटेगराइज करूं तो मैं यहां पे इसे स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में लाऊंगा, स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं, किस कैटेगरी में लाऊंगा, स्ट्रॉन्ग। अच्छा इन इंटरमोलेकुलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ में कमी की वजह से जो लिक्विड्स हैं वो शेपलेस होते हैं, लिक्विड्स की शेप नहीं होती, लेकिन जिस बर्तन में आप डालें उसके अंदर उनका एक खास किस्म का वॉल्यूम जरूर बनता है। ओके यानी इसकी शेप नहीं है लेकिन वॉल्यूम स्पेसिफिक है,
इसमें शेप और वॉल्यूम दोनों क्या है? स्पेसिफिक। इधर शेप नहीं है लेकिन वॉल्यूम मखसूस है। अच्छा, अब हम तीसरी चीज की तरफ चलेंगे जो कि हमारे पास है गैस। ओके अब सुने कि मेरे पास एक सिलेंडर है, उसके अंदर मैंने किसी प्रेशर पे कोई भी गैस फिल की हुई है। अच्छा, अब ये जो गैस है इसकी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत एक दूसरे से फासले पे हैं। तो मुझे आप ये बताएं कि अगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला बहुत ज्यादा होगा तो क्या उसकी कोई शेप और वॉल्यूम बनेगा? नो। गुड, नाइस आंसर। भला कैसे? अगर मैं इसको नीचे थोड़ा सा दबा दूं, पिस्टन को थोड़ा सा नीचे कर दूं, तो ये गैस मॉलिक्यूल थोड़े से पास पास आ जाएंगे। वॉल्यूम क्या हो गया? डाउन। वॉल्यूम क्या हो गया? यहां पे मैं एक चीज समझाना चाह रहा हूं, उसे कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। क्या बोलते हैं? कंप्रेसिबिलिटी। जो सॉलिड्स हैं उनके ऊपर मैंने मिसाल दी थी कि अगर मैं जितना मर्जी इसके ऊपर प्रेशर डालता जाऊं इसकी शेप में चेंज में नहीं ला सकता, बिकॉज सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। सॉलिड्स को हम दबा नहीं सकते। इसी तरह मैं लिक्विड को किसी बर्तन में लेके ऊपर से प्रेशर डालूं तो वो भी दब नहीं सकते, क्योंकि उनके दरमियान इतना ज़्यादा गैप भी नहीं होता कि वो गैप दबाने से मिनिमाइज किया जा सके। ओके, बट गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड ईजिली ड्यू टू लार्जर इंटरमोलेकुलर डिस्टेंसेस। ओके, यानी जितने इंटरमोलेकुलर डिस्टेंसेज आप कम करना चाहें कर सकते हैं, प्रेशर डाल के, टेम्परेचर डाउन करके। ओके अच्छा, मैंने यहां पे एक वर्ड यूज किया, टेम्परेचर। जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल है उसका ताल्लुक टेम्परेचर से है, उसका ताल्लुक काइनेटिक एनर्जी से है। उसका ताल्लुक किसे? काइनेटिक एनर्जी। इसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी जिसकी वजह से इंटरमोलेकुलर फोर्सेस वीकेस्ट होंगी। या अगर मैं यहां पे निग्लिजिबल का वर्ड यूज करूं तो ज्यादा बेटर है, कि ना होने के बराबर। ओके अच्छा, इसकी काइनेटिक एनर्जी लोएस्ट, इसकी काइनेटिक एनर्जी लो, इसकी काइनेटिक एनर्जी फ्री। यानी दे कैन मूव रेंडमली, यानी यहां भी रेंडम मोशन तो है लेकिन स्लिप, यानी लेयर्स की शक्ल में। ये भी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जहां मर्जी टकराते रहते हैं, इनकी मोशन भी कौन सी है? रेंडम मोशन। ओके अब हम हसीब से पूछते हैं कि आपने चैप्टर वन में जो पढ़ा था, क्या फिर सिर्फ ये तीन स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस? नो। क्यों जी? यानी ये गैस है क्या? जस्ट थ्री स्टेट्स हैं? नो। फोर्थ कौन सी है? फोर्थ कौन सी है आप बता दें? प्लाज्मा। क्या? प्लाज्मा। प्लाज्मा एक बड़ी मतलब एक इंटरेस्टिंग किस्म का स्टेट ऑफ मैटर है जो कि आम हमें नहीं नजर आता, लेकिन अगर हम कायनात में बात करें तो प्लाज्मा इज द मोस्ट अबंडेंट स्टेट ऑफ द मैटर इन द यूनिवर्स। थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, सन की मिसाल ले लेते हैं। आपको लगता है सन सॉलिड होगा? आपको लगता है कि सन के ऊपर कुछ पानी वगैरह, कुछ लिक्विड ऐसा होगा? नहीं। क्यों? वो एक बर्निंग मैटर है। क्या है? बर्निंग मैटर। उसके अंदर इतना ज्यादा टेम्परेचर है कि कोई चीज सॉलिड, लिक्विड, गैस की सूरत में स्टे ही नहीं कर सकती, वो डिकम्पोज कर देता है। वो टेम्परेचर क्या होता है? कोई भी इन तीनों स्टेट्स को क्या कर दिया उसने? डिकम्पोज। जब कोई एटम ब्रेक होता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में। किन में कन्वर्ट हो जाता है? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में।
तो इसके अंदर जो फॉर्म ऑफ मैटर वो इलेक्ट्रॉनिक और आयनिक स्टेट है, कौन सी है? इलेक्ट्रॉनिक और आयनिक स्टेट. सो इलेक्ट्रॉनिक एंड आयनिक स्टेट ऑफ मैटर इज नेम्ड एज द प्लाज्मा. ओके, प्लाज्मा कब बनता है? जब हम यहां भी बना सकते हैं. ये अक्सर ना आप म्यूजिकल कॉन्सर्ट जब टीवी वगैरह देखते हैं तो जहाँ पे वो रॉक बैंड वगैरह डांस वगैरह कर रहे होते हैं उसमें वो मुख्तलिफ किस्म की लाइट्स मतलब डीजे लाइट्स जिन्हें आम जुबान में कहते हैं वो डाल रहे होते हैं. जो ओरिजिनल डीजे लाइट्स हैं ना वो प्लाज्मिक लाइट्स होती हैं. वो जो बल्ब होते हैं ना उनके अंदर उन्होंने गैस भरी होती है. जब उस गैस के अंदर से वो करंट गुजारते हैं ना तो वो गैस अपनी इलेक्ट्रॉनिक और आयनिक स्टेट में कन्वर्ट होके मुख्तलिफ कलर्स की रोशनियाँ डालती है, यानी मुख्तलिफ कलर्स की रोशनियाँ निकालती है. ओके, तो वो जो मुख्तलिफ कलर्स की जो रोशनियाँ हैं उसे हम क्या कहेंगे? प्लाज्मा. ओके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आपको लाइट देते हैं. मैं एक मिसाल देता हूँ, देखो जब बारिश होती है बिजली कड़कती है तो वो बिजली आपको कड़कती नज़र आती है. वो बिजली बेसिकली क्या है? कई मतलब बहुत ज़्यादा हैवी किस्म के इलेक्ट्रॉनिक करंट वो बादलों में जो स्टोर हो चुका होता है फ्रिक्शन की वजह से वो ज़मीन पे आ रहा होता है. ओके, इसलिए वो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट हमें नज़र आएगी, आयनिक स्टेट भी हमें क्या करेगी? नज़र आएगी. इसलिए जब न्यूट्रल गैस एटम में आप करंट गुजारोगे हीट प्रोड्यूस होगी, वो हीट उस गैस मॉलिक्यूल्स को आयनिक स्टेट में क्या कर देगी? कन्वर्ट कर देगी. ओके, तो नियॉन लाइट्स इसके लिए बड़ी मशहूर हैं जो मुख्तलिफ किस्म की फैंसी किस्म की जो रोशनियाँ निकालती है. ओके, तो बेटा आज का लेक्चर हमारा था स्टेट्स ऑफ मैटर और काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल के बारे में. हमने यूनिट नंबर 7 स्टार्ट किया है. कोई सवाल है तो करें. ओके, चलें. ओके, फिर आप भी बेटा अब इसको ध्यान से तैयार कर लें और कर लें. आपके मुख्तलिफ टीचर्स के ज़रिए मुझे आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि आप लोग जो है वो टेस्ट से भाग रहे हैं, तो आप टेस्ट पे भी आएं और तैयारी करें, आपका फ़ायदा है इसमें. थैंक यू, थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.